बच्चों, मैं आप लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में थोड़ा बताऊंगा और बिजली उत्पन्न करने के विभिन्न साधन और उसमें से जो ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस हैं और उसमें दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या क्या काम हुआ है और हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप सब जानते हैं कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण किया जा सकता है। हम ना तो ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड। हाउएवर, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सबने पढ़ा होगा कि जनरेटर से बिजली उत्पन्न करते हैं तो बिजली उत्पन्न नहीं करते हैं, जनरेटर कुछ उत्पन्न नहीं, जनरेटर का जो नाम है वो गलत पड़ा हुआ है, वो जनरेट नहीं करता, वो खाली कन्वर्ट करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? विच कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक साधनों से हमको मिलती है, जैसे सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स या लहरें, और जियोथर्मल हीट, जो भूगर्भ में चट्टाने, गरम गरम चट्टाने हैं, उनकी ऊष्मा को यूज करना। तो ये जो है नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाती हैं, ये अपने आप दोबारा बन जाती हैं। जैसे सनलाइट है वो हमेशा रहती है, हवा है वो हमेशा रहती है, तो इसके सोर्सेस कभी खत्म नहीं होते हैं। अबाउट 16% ऑफ ग्लोबल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल। जो जितना हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसमें से 16% हमको रिन्यूएबल सोर्सेस से प्राप्त होता है आजकल। और उस रिन्यूएबल एनर्जी में बिजली उत्पन्न करने के लिए करीब 19% ऊर्जा जो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लेते हैं उसमें से 19% बिजली उत्पन्न करने के लिए लेते हैं। और जो 19% हम बिजली उत्पन्न करने के लिए लेते हैं उसमें से भी जो 16% है वो हाइड्रो पावर प्लांट से आती है, जो कि हम नदियों पे बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करते हैं वहां से आती है। और 3% जो है वो न्यू रिन्यूएबल्स कहते हैं। रिन्यूएबल को हिंदी में नवीकरणीय बोलते हैं। तो न्यू रिन्यूएबल्स में फोटोवोल्टाइक पैनल्स आ जाते हैं आपके, विंड इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स होते हैं, ये चीजें न्यू रिन्यूएबल्स में आती है, बायोमास हो गया। फॉसिल फ्यूल्स जो हम पिछले 300-400 सालों में यूज करते आए हैं जो ऊर्जा के साधन है वो है कोयला और ऑयल या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो आज का जो आप दुनिया देख रहे हैं ये सारी दुनिया सिर्फ इन्हीं संसाधनों की वजह से बन पाई है, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। जितने हमारे परिवहन के साधन हैं वो सब पेट्रोलियम से चलते हैं, जितने हमारे बिजली घर हैं वो कोयले से, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से चलते हैं ज्यादातर। और जितना भी एडवांसमेंट आप लोग देख रहे हैं, जितनी लग्जरीज आपको मिली हैं, वो सब इन्हीं संसाधनों की वजह से मिली हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिजली कैसे बनती है जनरेटर में। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को घुमाते हैं तो वोल्टेज उत्पन्न होती है। फैराडे का नियम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है ना। तो हम बेसिकली यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, उसको घुमाते हैं, वो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब ये गतिज ऊर्जा हम किस प्रकार से दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह के पावर प्लांट्स हैं। विभिन्न प्रकार के जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार से हम ये गतिज ऊर्जा देते हैं। जैसे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है जिनको हम थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, इसमें कोयले को भट्टी में डाला जाता है, ये एक भट्टी है जिसमें कोयले को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है कोयला, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा से पानी को वाष्प में बदलते हैं, स्टीम में बदलते हैं, ये स्टीम जाके
سٹیم ٹربائن کو چلاتی ہے. سٹیم کو پریشر کے ساتھ ٹربائن کی بلیڈز پہ چھوڑا جاتا ہے تو وہ ٹربائن گھومتی ہے. جب وہ گھومتی ہے تو یانترک ارجا اتپن ہوتی ہے. یہ یانترک ارجا یہ ٹربائن جو ہے جنریٹر کے شافٹ سے کنیکٹڈ رہتی ہے. تو جب یہ ٹربائن گھومتی ہے تو جنریٹر کے اندر کوائل گھومتی ہے اور ودیوت ارجا اتپن ہوتی ہے. وہ ودیوت ارجا ہم لوگ یوز کرتے ہیں. یہ دیکھیے ایک سٹیم ٹربائن کا فوٹوگراف ہے جس میں یہ بلیڈز ہیں. ان بلیڈز پر جب سٹیم پریشر کے ساتھ چھوڑی جاتی ہے تو یہ ٹربائن گھومنے لگتی ہے. تو اس طرح سے یانترک ارجا میں پریورتت ہوتی ہے. ایک اور یہ فوٹو ہے, اس میں یہاں سے سٹیم آیا, آ کے اس ٹربائن کے بلیڈز پہ پڑا تو یہ ٹربائن گھومی. اس ٹربائن سے جنریٹر کنیکٹڈ ہے, جنریٹر کا جو روٹر ہوتا ہے اور وہ کوائل گھومتی ہے. اس کوائل کو گھومنے سے بجلی اتپن ہوتی ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. یہ ایک ڈیزل جنریٹر ہے, جیسا جنریٹرز آپ لوگ دیکھتے ہیں دکانوں میں, گھروں میں لگے رہتے ہیں چھوٹے ڈیزل. اس میں یانترک ارجا پراپت کرنے کے لیے ہم ڈیزل انجن کا اپیوگ کرتے ہیں. اس میں ڈیزل ڈالتے ہیں, ڈیزل اگنائٹ کرتے ہیں, اس سے جو ہے یانترک ارجا اتپن ہوتی ہے اور اس سے ہم آلٹرنیٹر کو گھماتے ہیں. تو یہاں پر فیول یوز کرتے ہیں ہم ڈیزل. یہ فوسل فیولز کیسے بنتے ہیں؟ فوسل فیولز آر فارمڈ بائی نیچرل پروسیسز سچ ایز اینروبک ڈیکمپوزیشن آف بری ڈیڈ آرگینزمس. جو ونسپتیاں ہوتی ہیں یہ دب جاتی ہیں, مطلب مٹی کی لیئر اس کے اوپر آتی جاتی ہے, چٹانیں اور چٹانوں کی لیئرز آ جاتی ہیں اور وہ دب جاتی ہیں, وہاں آکسیجن کا ابھاؤ رہتا ہے اور ایسے میں اس میں کیمیکل ٹرانسفارمیشن راسائنک پریورتن ہوتے ہیں اور وہ فائنلی کوئلے یا پیٹرولیم میں بدل جاتی ہیں. لیکن اس پروسیس کو پورا ہونے میں ملینز آف ایئرز لگتے ہیں, لاکھوں سال لگتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ جو بھی پیٹرولیم یا کوئلہ ہم یوز کرتے ہیں اس کو بننے میں لاکھوں سال لگے ہیں. لاکھوں سال پہلے جو ونسپتیاں سمندر میں نیچے تلہٹی میں دب گئی تھیں وہاں سے پیٹرولیم بنا, اور جو چٹانوں کے بیچ میں دب گئیں وہاں سے کوئلہ بنا. وہ کوئلے کی کھانوں میں سے یا سمندر میں سے ہم پیٹرولیم وغیرہ نکال کے ہم یوز کرتے ہیں. تو ان کے جو بھنڈار ہیں وہ سیمت ہیں, اور پیٹرولیم کوئلہ بنانے کے لیے لاکھوں سال لگیں گے. تو ہم نیا پیٹرولیم اور نیا کوئلہ اب نہیں بنا سکتے, جو بھنڈار ہمارے پاس ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو پچھلے 300-400 سال سے ہم خوب یوز کر رہے ہیں اس کو. تو اب یہ جو ہیں کافی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. 18ویں صدی سے پہلے لوگوں کو یہ فوسل فیولز کوئلہ پیٹرولیم آدی یوز کرنا نہیں آتا تھا. تو اس سمے وہ لوگ ونڈ ملز یوز کرتے تھے, پون چکیاں یوز کرتے تھے اور لکڑی جلا کر اوشما پیدا کرتے تھے. لیکن پھر 19ویں صدی میں انٹرنل کمبشن انجن بنا. انٹرنل کمبشن انجن جو پیٹرول اور ڈیزل انجن جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, یہ انٹرنل کمبشن انجنز ہیں. جب یہ انجن بنے تو ہمارے پاس سارے پریوہن کے سادھن آ گئے, کارز آ گئیں, ٹرینز آ گئیں, ہمارے پاس ایروپلینز آ گئے اور اس کے علاوہ بجلی آ گئی, اور ان چیزوں سے کافی وکاس ہوا. لیکن اس وکاس کے چلتے ہم نے ان کو اتنا زیادہ یوز کیا کہ ہم بھول گئے کہ ان کے بھنڈار سیمت ہوتے ہیں. تو ایک ایسٹیمیٹ کے انوسار اگر ہم اسی ریٹ سے کوئلہ یوز کرتے رہے تو اگلے 150 سال میں کوئلہ بالکل ختم ہو جائے گا. آئل قریب 43 سال میں آئل ختم ہو جائے گا. آئل ختم ہو جائے گا تو آپ کی ساری کارز, پریوہن کے سارے سادھن رک جائیں گے. نیچرل گیس 61 ایئرز میں یہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہم لوگوں نے نیگلیکٹ کی وہ یہ تھی کہ جو یہ فوسل فیولز ہیں اس کا پریاورن پہ کیا پربھاؤ پڑتا ہے.
ये फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जलाते हैं तो इसमें से कई हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। उसके अलावा सल्फ्यूरिक कार्बोनिक नाइट्रिक एसिड्स भी बनते हैं उस धुएं में, जो धुआं निकलता है पावर प्लांट्स में से और अपनी कार्स में से, उसमें ये एसिड्स भी होते हैं जो कि वातावरण में फैल जाते हैं और जब फिर बारिश होती है तो उस बारिश के साथ वो एसिड्स नीचे जमीन पर भी आते हैं और उससे सारे पेड़ पौधों पर और पशु पक्षियों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। उसके अलावा इसमें से जो गैसेस निकलती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी गैसें निकलती हैं। ये गैसें क्या करती हैं कि जो सनलाइट में जो ऊष्मा होती है उसको ग्रहण कर लेती हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि सनलाइट यहाँ पड़ती है और इसमें से काफी सारा पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चला जाता है, वातावरण से बाहर निकल जाता है। ये गैसें उस ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वातावरण के बाहर नहीं जाने देती हैं, तो वातावरण का तापमान बढ़ने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पृथ्वी की सतह का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो ये एक और हानिकारक प्रभाव है इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने का। कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल्स से कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है और हम लोग फॉसिल फ्यूल्स इतने ज्यादा यूज करने लगे कि एक साल में करीब 21.3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पैदा करते हैं इन प्रोसेसेस से, जबकि प्राकृतिक साधनों के सहायता से खाली 10.65 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ जो हैं दिन में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो इन साधनों की सहायता से हम खाली करीब जितना हम जनरेट कर रहे हैं 21 बिलियन टन, उसमें से सिर्फ आधा ही हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रह जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सारे हानिकारक प्रभाव हैं उन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के, जिन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमने इतनी तरक्की की है। तो अब ये समय आ गया है कि हम उन फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर और बेटर साधन निकालें, अच्छे साधन निकालें। तो इसलिए अब हम ग्रीन एनर्जी की ओर जाते हैं। एक और तरीका पावर जनरेशन का है न्यूक्लियर पावर, जिसमें हम नाभिकीय ऊर्जा को यूज करते हैं। और न्यूक्लियर पावर, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यूरेनियम और प्लूटोनियम आदि की सहायता से न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस से हम बहुत सारी ऊष्मा जनरेट कर सकते हैं और उस ऊष्मा से हम लोग, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें फिशन प्रोसेस होता है, उससे हम पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं उस ऊष्मा से और उस स्टीम से टरबाइन चलाकर हम बिजली पैदा कर लेते हैं। तो ये एक पावर जनरेशन का सस्ता तरीका है और न्यूक्लियर पावर में ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने वाली है। इसमें बहुत कम फ्यूल लगता है और हर तरह से विकास के लिए न्यूक्लियर पावर के बहुत एडवांटेजेस हैं। न्यूक्लियर पावर कॉस्ट अबाउट सेम एज कोल, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कोई धुआं नहीं निकलता, प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फ्यूल, बहुत कम ईंधन से बहुत ज्यादा एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर से। तो आप लोगों ने आप लोग अगर देखें तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिका है, इन सब में ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर पावर से ही होता है। आप लोगों ने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, मनुष्यों के लिए भी, और जहां पर भी ये लीकेज होता है वहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है।
1986 روس میں یوکرین میں چرنوبل میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں 50 لوگ تو آن دا اسپاٹ مر گئے تھے. اور اس کے علاوہ اس ریڈیشن سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے, تو اس کینسر سے 4000 لوگ اور مر گئے. اسی طرح امریکہ میں کل ملا کے اب تک ٹوٹل 99 ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں نیوکلیئر پاور پلانٹس میں, جس میں سے قریب 57 ایکسیڈنٹ صرف امریکہ میں ہوئے ہیں. تو یہ ایکسیڈنٹس بہت خطرناک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیوکلیئر ویسٹ ہوتا ہے اس کو ڈسپوز آف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے, ہائیلی ریڈیو ایکٹیو ہوتا ہے, تو وہ اس کو بہت بڑے بڑے کنٹینرز میں سیل کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں یا پھر کہیں بہت گہرے گڈھے کر کے دبا دیتے ہیں. لیکن اس کی ریڈیو ایکٹیویٹی ہزاروں سالوں تک بنی رہے گی, تو ان ہزاروں سالوں میں کبھی بھی کہیں پر بھی لیک ہو گیا تو وہاں پر ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکہ میں اس طرح کے ایک لیکیج کی خبر اخبار میں چھپی تھی. تو ویسٹ ڈسپوزل بھی اس کا بہت مشکل ہے. اسی وجہ سے نیوکلیئر پاور پلانٹس کا پوری دنیا میں کافی ویرودھ ہو رہا ہے, خاص طور سے جو فکوشیما میں ایکسیڈنٹ ہوا لاسٹ, اس کے بعد سے. تو اس کے بعد سے زیادہ تر یوروپین کنٹریز میں ان لوگوں نے آلریڈی ڈیسیجن لے لیا ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور بند کر دیں گے. جیسے سوئٹزرلینڈ میں ان کی 40% جو پاور ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 2034 تک وہ اس کو نیوکلیئر پاور بالکل ہٹا دیں گے اپنی کنٹری سے. اسی طرح سے جرمنی میں قریب 20,000 میگا واٹ جنریشن جو ہے ان کا نیوکلیئر سے ہو رہا ہے, جو کہ وہ 2022 تک بند کر دینا چاہتے ہیں. اسی طرح سے بیلجیم میں 2025 تک ان کا 55%, آدھے سے زیادہ جنریشن نیوکلیئر پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح فرانس میں کافی نیوکلیئر ہے جو کہ وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں. دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک ساری کنٹریز, ہمارے انڈیا میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کودان کولم کر کے تمل ناڈو میں جو پاور پلانٹ بن کے تیار ہے, لیکن وہاں کے لوگوں کے پروٹیسٹ کی وجہ سے وہ سٹارٹ نہیں ہو پا رہا ہے ابھی تک. تو اس پروٹیسٹ کے پیچھے یہی ڈر ہے کہ اگر لیکیج ہوا تو آس پاس کی جتنے لوگ آس پاس رہتے ہیں ان سب کے لیے کافی ہانیکارک پرینام ہوں گے اس کے. رینیوبل انرجی میں جو سب سے پرومیننٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے, جو سب سے سیف ہے. اس میں ندی پہ ہم ایک باندھ بناتے ہیں اور وہاں پانی روکتے ہیں, تو پانی کا ستر اوپر چلتا چلا جاتا ہے, اور نیچے ہم ایک پین سٹاک لگاتے ہیں, تو یہاں پہ پانی کا پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے. تو کافی پریشر کے ساتھ ہم ایک واٹر ٹربائن پر اس پانی کو چھوڑتے ہیں, تو یہ پانی جب واٹر ٹربائن سے جا کے ٹکراتا ہے تو ٹربائن گھومنے لگتی ہے اور یانترک ارجا اتپن ہوتی ہے. اس یانترک ارجا سے ہم جنریٹر کے شافٹ کو گھماتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ ودیوت ارجا میں پریورتت ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے بجلی جنریٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ ٹربائن ہے, اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو یہ ٹربائن گھومتی ہے, اور اس ٹربائن کو گھومنے سے جنریٹر کا روٹر گھومتا ہے اور بجلی اتپن ہوتی ہے. پہاڑی ندیوں پہ خاص طور سے اس طرح کا پاور پلانٹ بہت آسانی سے جاتا ہے, جس میں پہاڑ کے اوپر ریزرویئر ہوتا ہے, اور یہ پین سٹاک کہتے ہیں, پائپس ہیں جن کے تھرو پانی گریویٹی سے نیچے آتا ہے, تو آٹومیٹیکلی اس میں پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے جب اوپر سے پانی نیچے چھوڑتے ہیں, اور یہ جا کے سیدھے ٹربائن میں ٹکراتا ہے. یہ ایک اور ہے جہاں پہ باندھ بنایا ہوا ہے, اس باندھ سے ہم پریشر سے پانی چھوڑتے ہیں ٹربائن پہ. تو اس کے ایڈوانٹیجز بہت آبویس ہیں کہ ایک بار آپ نے باندھ بنا لیا, ڈیم بنا لیا, تو انرجی فری ہے, پانی کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے, کوئی ایندھن اس میں یوز نہیں ہوتا, کوئی ویسٹ نہیں ہے, کوئی پولیوشن نہیں ہے, کسی طرح کا دھواں نہیں ہے, کوئی گیسز ایمیشن نہیں ہوتی ہیں, اور ونڈ اور سولر سے زیادہ ریلائبل ہے یہ. ایک اور طریقہ بجلی اتپن کرنے کا ٹائیڈل پاور کا ہے, جس میں ہم لہروں کو یوز کرتے ہیں, خاص طور سے جوار بھاٹا پہ. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ روز پرتھوی اور
सूर्य और चंद्रमा इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगते हैं उसकी वजह से समुद्र में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। करीब 10 घंटे तक ज्वार और भाटे की लहरें रोज रहती हैं। उन लहरों में गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं टाइडल पावर प्लांट्स में। ये एक उस तरह का पावर प्लांट है। तो जब लहर चलती है, देखिए ये, देखिए ये यहां पे टर्बाइन्स लगी हुई हैं। तो जब लहर चलती है तो ये टर्बाइन्स घूमती हैं और इन टर्बाइन्स से अल्टरनेटर का रोटर कनेक्टेड रहता है। तो जब ये टर्बाइन्स घूमती हैं तो वो रोटर टर्न करता है और बिजली उत्पन्न होती है। ये एक और तरह की वो टर्बाइन है। तो ये टाइडल बैराज बोलते हैं। टाइडल बैराज जो है एक बहुत बड़ा डैम होता है। ह्यूज डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एस्टुअरी। रिवर एस्टुअरी जहां पर नदी समुद्र से मिलती है उसको बोलते हैं। तो वहां पर उस नदी का पार्ट बहुत चौड़ा होता है और फ्लो हमेशा बना रहता है नदी में से समुद्र की तरफ, और जब ज्वार आता है तो समुद्र से नदी की तरफ, दोनों तरफ फ्लो हमेशा बना रहता है इसमें। तो वहां पर ये इस तरह के टाइडल पावर प्लांट्स लगाकर भी बनाते हैं। बस इसमें एक ही डिसएडवांटेज ये है कि एडवांटेजेस तो वही है कि कोई ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, कोई कॉस्ट भी कम रहती है। लेकिन ऐसे लोकेशंस हमारे पास कम होती हैं जहां पर हम इस तरह का टाइडल पावर प्लांट बना सकें। और यहां पर लहरें करीब 10 घंटे ही रहती हैं पूरे दिन में, तो 10 घंटे पावर जनरेशन होता है, बाकी 14 घंटे पावर जनरेशन नहीं हो पाता है। एक और बहुत बढ़िया तरीका पावर जनरेशन का विंड पावर है। आप लोग अगर साउथ की साइड में गए हो तमिलनाडु में, तो हो सकता है आप लोगों ने ऐसी विंड टर्बाइन्स भी लगी हुई देखी होंगी। ये काफी बड़ी बड़ी टर्बाइन्स होती हैं। तो ये हवा से चलती हैं और हम जानते हैं कि हवा क्यों चलती है। सूरज की गर्मी से जब हवा गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, वो हवा ऊपर जाती है, उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा वहां पर आती है। तो इस तरह से हवा चलती है, और जब हवा चलती है तो हवा ये ब्लेड्स घूमते हैं, टर्बाइन्स घूमती हैं, और इनके शाफ्ट से हम जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं, अल्टरनेटर के रोटर को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो यांत्रिक ऊर्जा हवा से आती है इसमें, उस यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये जमीन पर भी लगाते हैं, आजकल ये समुद्र के अंदर भी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे जर्मनी है, जर्मनी में विंड टर्बाइन्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वहां पर जो लोग पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं उनका कहना है कि उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। जब पंखा चलता है तो इसकी हल्की सी आवाज होती है। ये पंखा बहुत बड़ा होता है, ये करीब आप समझिए कि इसका जो डायमीटर होता है ये करीब 25 से 50 मीटर डायमीटर होता है। आप लोग 100 मीटर की रेस लगाते हैं बसंत स्पोर्ट्स में, 50 मीटर की भी रेस होती है, तो आपको अंदाज होगा कि 50 मीटर कितना होता है। इतने बड़े बड़े इसका डायमीटर होता है इस पंखे का, इतने बड़े फैंस होते हैं ये। तो हमेशा एक नॉइस उस एरिया में बनी रहती है, जिससे कहा जाता है कि आसपास के लोगों के कान इफेक्ट हो जाते हैं। तो आजकल इसको जमीन पे लगाने का, लैंड पे ये लोग नहीं लगाने दे रहे हैं, तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये लोग समुद्र में ले जाकर लगाते हैं ये पावर प्लांट्स, और वहां से बिजली बनाकर अंदर ले आते हैं। और इससे अब बाकी जो नुकसान है कि चिड़ियां मर सकती हैं और टेलीविजन रिसेप्शन इफेक्ट हो सकता है, इस तरह के कुछ छोटे मोटे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट इसमें भी कोई प्रदूषण नहीं होता। एक और साधन है जियोथर्मल पावर। हम जानते हैं कि भूगर्भ में, पृथ्वी में अगर आप नीचे चलते चले जाएं तो चट्टाने हैं, और वो चट्टाने बहुत गर्म होती हैं। तो कुछ स्थानों पर वो ड्रिल करते हैं, ये करीब 4000 से 6000 मीटर तक का होल ड्रिल करते हैं, दो होल्स ड्रिल करते हैं जो कि चट्टानों तक जाता है, 4000 मीटर मतलब करीब 4 से 6 किलोमीटर गहरा।
और इस होल में पानी डालते हैं, तो ये पानी जब नीचे जाता है तो वहां इतनी गर्मी होती है कि वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, स्टीम में। उस स्टीम को ये दूसरे होल से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टीम बनाने के लिए हमें कोयला यूज नहीं करना पड़ा, किसी तरह का कोई ईंधन नहीं यूज करना पड़ा, बस एक छेद से पानी नीचे डाला और दूसरे छेद से वाष्प को बाहर निकाल लिया, स्टीम को, और उस स्टीम से स्टीम टर्बाइन चलाकर हम बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये एक जियोथर्मल पावर है, ये भी अमेरिका में कुछ जगहों पर ये प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर इस तरह की चट्टाने होती हैं वहीं पर ये प्लांट लग पाते हैं। तो अभी तक दुनिया में 8-10 ही ऐसी लोकेशंस आइडेंटिफाई हो पाई हैं जहां पर जियोथर्मल पावर काम कर रही है, हर जगह ये लगाना मुश्किल है। अब हम आते हैं सोलर एनर्जी पर। जो सौर ऊर्जा हम सूर्य से प्राप्त करते हैं वो करीब 174 पेटावाट एनर्जी होती है। पेटावाट इज 10^15 वाट्स, तो ये काफी ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है। इसमें से करीब 89 पेटावाट तो लैंड, जमीन में और ओशन में एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी सब वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एनर्जी, मोर एनर्जी इन 1 आवर देन द वर्ल्ड यूज्ड इन द ईयर, मतलब पूरी दुनिया एक वर्ष में जितनी ऊर्जा, पूरी दुनिया की जितनी ऊर्जा की खपत है उतनी ऊर्जा एक घंटे में हमें सूर्य से मिलती है। बस ये और बात है कि हम उस ऊर्जा को रूपांतरित करके यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी उतनी अच्छी तरह से। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज सो वास्ट दैट इन 1 ईयर इट इज अबाउट ट्वाइस एज मच एज विल एवर बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल ऑफ अर्थ्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम कंबाइंड। पृथ्वी पर जितना कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस और यूरेनियम है उन सबको मिलाकर हम जितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसका डबल अमाउंट हमें एक साल में सौर ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। सौर ऊर्जा मतलब सूरज से हमें इतनी ज्यादा ऊर्जा मिलती है जिसको हम अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स हैं जो एक तरीका है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधे सीधे परिवर्तित करने का। तो ये 1839 में अलेक्जेंडर एडमंड बैकरल ने सबसे पहले फोटोवोल्टाइक इफेक्ट डिस्कवर किया था, जिसमें उसने बताया कि जब कुछ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर जब फोटॉन्स पड़ते हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो पहला फोटोवोल्टाइक सेल बेल लैब्स में बनाया था वो 1954 में बनाया था, और ये उस समय जब स्पेसशिप्स डिजाइन हो रहे थे, क्योंकि स्पेस में हम ऊर्जा का कोई साधन यहां से लेकर नहीं जा सकते, तो उन लोगों ने उसके लिए ये सोलर सेल डिजाइन किए थे कि स्पेस में भी सौर ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है तो वहां पर हम सौर ऊर्जा यूज कर सकते हैं। तो उस समय ये बहुत महंगे थे, 1970 में करीब $100 पे एक वॉट का पैनल बन सकता था, जो आज की डेट में करीब $2 मतलब सौ रुपए से भी आजकल सस्ता हो गया है, 50 से 70 रुपए के बीच में एक वॉट कैपेसिटी हमें मिल जाती है आजकल। तो सोलर सेल, ये एक सोलर सेल है, और ऐसे कई सेल्स को मिलाकर हम एक सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, और उस मॉड्यूल को कई प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच में हम बंद करके एक पूरा फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल बनाते हैं। अभी हम आपको ऊपर ले जाकर दिखाएंगे फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल। तो इसमें ये जो सूरज की रोशनी सोलर पैनल पे पड़ती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस विद्युत ऊर्जा से हम बैटरीज को चार्ज करते हैं, ठीक है। और बैटरीज को चार्ज करने के लिए हम एक चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, और इस बैटरी से हम इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं, और इन्वर्टर बैटरी में डीसी
आप लोगों ने डीसी और एसी पढ़ा है, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिव करंट। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल में जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वो डीसी होती है, ठीक है। उस डीसी से हम बैटरीज को चार्ज करते हैं, बैटरीज भी डीसी होती हैं। लेकिन ये जो पंखे और लाइट हम यूज करते हैं ये सब एसी से चलते हैं। तो इन्वर्टर होता है एक डिवाइस, इन्वर्टर में हम डीसी से एसी में कन्वर्शन करते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर बैटरी से कनेक्टेड रहता है, वो यहां से डीसी सप्लाई लेता है और उसको एसी में कन्वर्ट करके हमें देता है। उस एसी से हम सब ये जो जितना फैन और यहां पर जितने ये चीजें चल रही हैं ये सब सोलर से ही चल रही हैं। यहां ऊपर 6 किलोवाट का एक सोलर प्लांट लगा हुआ है और उसी से ये सारी चीजें चल रही हैं इसमें। तो इस तरह के कई मॉड्यूल्स को सीरीज में जोड़कर हम एक पूरा पावर प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी है, ये इन्वर्टर है, बैटरीज और ये सोलर पैनल। सोलर पैनल से जो बिजली उत्पन्न होती है उससे बैटरी चार्ज होती है, बैटरी से इन्वर्टर कनेक्टेड है, इन्वर्टर एसी बनाकर देता है जिससे हम अपने लोड चलाते हैं, जिससे हमारे पास बिजली आती है। अब दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गुरु महाराज के आदेश से यहां पर 500 किलोवाट सोलर प्लांट लगाया हुआ है। तो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया में ऐसी अकेली यूनिवर्सिटी है और अनोखी यूनिवर्सिटी है जो कि पूरा सोलर से चलती है। जब सोलर नहीं होता है बादलों की वजह से या बारिश वाले मौसम में या सर्दियों में फॉग की वजह से, सिर्फ तभी हमको जो टोरेंट से पावर खरीद के यूज करना पड़ता है। अदरवाइज जब जैसे क्लियर डेज होते हैं तो हमारे पास सोलर जनरेशन इतना है कि पूरी यूनिवर्सिटी हमारी सोलर पे चलती है। तो बाहर बिजली आए चाहे जाए हमें पता नहीं लगता, हमारे यहां बिजली नहीं जाती है, ठीक है। तो दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसा अकेला इंस्टीट्यूट है, अकेली यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलती है। तो यहां पर देखिए ये हमारा एक सैटेलाइट व्यू है अपने इंस्टीट्यूट का। तो इसमें फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में 150 किलोवाट का एक प्लांट लगाया हुआ है, उससे ये पूरा एरिया हम कवर करते हैं। ये देखिए फोटोवोल्टाइक पैनल्स का फोटो है, वहां पर ये सारे पैनल्स लगे हुए हैं, ये बैटरीज हैं। बैटरीज में हम जो सौर ऊर्जा आ रही है उससे हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं डीसी, और उससे बैटरीज चार्ज कर लेते हैं। इन बैटरीज से इन्वर्टर कनेक्टेड रहता है, ये इन्वर्टर रखा हुआ है, और इस इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट होकर हमको मिल जाती है बिजली। जो बैटरीज हैं वो भी ट्रांसपेरेंट हैं। आप लोगों ने जो बैटरीज देखी होंगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, उसमें अंदर इलेक्ट्रोलाइट और प्लेट्स वो सब नजर नहीं आती है। लेकिन यहां जो बैटरीज हमने लगाई हैं ये सारी ट्रांसपेरेंट हैं, आप अंदर सब देख सकते हैं। इससे मेंटेनेंस आसान रहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाए तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर भरना होता है, और अगर प्लेट्स खराब होंगी तो भी हमें पता लग जाएगा, ठीक है। फिर एक और प्लांट है यूसिक पर, यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, वहां पे 100 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं। फिर साइंस फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 40 किलोवाट का लगा हुआ है, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एक और 40 किलोवाट का प्लांट लगा है, फैकल्टी ऑफ साइंस में 150 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, और ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं। ये इन्वर्टर का अंदर का व्यू है, और ये बैटरीज है साइंस में, और ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस यहां पर 40 किलोवाट का। तो इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी कवर्ड है हमारी, इस तरह के 7 पावर प्लांट लगे हुए हैं जिससे हमारी सारी यूनिवर्सिटी कवर्ड है। ये वहां के फोटोग्राफ्स हैं। और दयालबाग में जो सबसे पहला प्लांट लगा था वो सत्संग हॉल में लगा था, आप सबने देखा होगा पैनल्स, और वहीं पे नीचे बैटरी रूम है जहां पर ये 3 इन्वर्टर्स हैं, ये सारी बैटरीज हैं, और ये पैनल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर टोटल 150 पैनल लगे हैं, और यूनिवर्सिटी में तो खैर अब हजारों में हो गए हैं पैनल्स हमारे पास। ये राजा बरारी में भी हम लोगों ने सोलर लगाया हुआ है, वहां पर एक ये वाईफाई टावर थी, तो वो रिमोट एरिया है, वहां पे पावर सप्लाई नहीं है, तो जो वाईफाई टावर होती है वो उसमें ऊपर ट्रांसमिशन के लिए
وائی فائی ریڈیوز لگے ہوتے ہیں تو ان ریڈیوز کو بجلی دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے سولر پینل لگائے گئے تھے تو وہ سولر پینل وہاں پہ چوری ہو جاتے تھے انہوں نے سولر پینل لگایا دو دن بعد چوری ہو گیا پھر دوبارہ لگایا وہ پھر چوری ہو گیا کیونکہ سولر پینل بہت مہنگے ہوتے ہیں اور یہ جنگل ہے وہاں پہ سیکیورٹی زیادہ نہیں ہے تو اس بار ہم نے ان پینل کو ٹاور کے اوپر ہی لگا دیا ہے ویلڈ کر کے اور اس کے علاوہ اس میں ہم نے شاک فینسنگ دے دی ہے الیکٹرک شاک فینسنگ تو اگر کوئی بھی اس کو جا کے چھوئے گا تو اس کو 6 kV 6000 V کا شاک لگے گا تیز تو اس شاک سے آدمی مرے گا نہیں لیکن اس کو اتنی زور سے جھٹکا لگے گا کہ وہ نیچے آ جائے گا اور اس کے علاوہ ایک ہوٹر الارم بھی بجے گا وہاں پہ زور سے تاکہ آس پاس کے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کوئی چور آیا ہے وہاں تو پچھلے 3 سال سے کسی نے چوری کرنے کی کوشش نہیں کری ہے اس کو اس کے علاوہ راجہ براری میں اور ٹمرنی میں 20 kW کا پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہاں کے ہائی اسکول میں وہاں کے ہاسٹل میں راجہ براری میں بجلی نہیں ہے ٹھیک ہے دن میں 2 گھنٹے قریب بجلی آتی ہے بس تو ہاسٹل وغیرہ میں لوگ موم بتی رکھ کے پڑھائی کرتے تھے تو جب سے یہ پلانٹ لگ گئے ہیں وہ لوگ آرام سے لائٹ میں پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے وہاں پہ واٹر پمپس تھے وہ سب ڈیزل انجن سے چلتے تھے ڈیزل انجن ڈیزل مہنگا بھی ہے اور پردوشن بھی کرتا ہے تو جب سولر لگا دیا تو اب وہ ساری چیزیں سولر سے چلتی ہیں تو وہ سستا بھی پڑ رہا ہے اور کوئی پردوشن بھی نہیں ہو رہا ہے اس میں اس کے علاوہ تاج محل کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو آس پاس وہاں پہ ہوٹل ہیں گھر ہیں ان سب میں ڈیزل جنریٹرز یوز ہوتے ہیں آگرہ میں ٹورنٹ پاور تو ہمیشہ ہی چلی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سب اپنے ڈیزل جنریٹر چلاتے ہیں اس سے پردوشن ہوتا ہے اور وہ پردوشن تاج محل کی سندرتا کو کم کر رہا ہے خراب کر رہا ہے اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے تو اب گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں ڈی آئی کو بھی انوالو کیا ہے تو اس میں تاج محل کے چاروں طرف 500 میٹر کے ریڈیس میں جتنی بھی بلڈنگز ہیں ان سب کو سولر پاور دینی ہے تو اس پہ کام چل رہا ہے فائنلی اس میں بھی سولر فوٹو وولٹائکس یوز ہوں گے